ये रहा आपका मेकअप रूम। आइए आइए। मेरा मेकअप ही होगा? और नहीं तो क्या, मेकअप आर्टिस्ट आपके लिए तो मंगवाई है, बहुत अच्छा सा तैयार करना है। नर्वस हो रही हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत प्यारी लगेंगी, खूब सजाना है। हाँ जीती रहो, मैं आती हूँ। हो गई है मेरे साथ निकाह। अरे बहुत ऐसा भी क्या है सब? तुमने अपने भतीजे की मंगेतर से शादी कर ली? कोई शर्म लिहाज नहीं रहा तुम्हें? ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है मुख्तार अंकल। जब नरगिस आंटी ने मेरे और जवाद के रिश्ते से मना कर दिया, नादरा मामी ने मुझे घर से निकाल कर दरबदर कर दिया, उस वक्त किसी को मेरा ख्याल नहीं आया। आपके बेटे से भी सहारा मांगा था मैंने, मगर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मगर मुझे खुशी है इस बात की कि आपके भाई में हिम्मत भी थी और किसी को सहारा देने का हौसला भी। मुंह मीठा करना था आपने। अरे नादर खाला, आप खाने मिठाई। जब अपने अब्बा से शादी नहीं करवानी थी तो झूठे ख्वाब क्यों दिखाए? किसी भी ऐरी गैरी से शादी करवानी थी तो धोखा क्यों दिया मुझे? मैंने तो कोई ख्वाब नहीं दिखाए, ख्वाब तो आपने खुद देखे थे मेरे बाप से शादी करने के, मैंने तो नहीं कहा था। और वैसे भी मैं किसी के ख्वाबों पे ना पाबंदी नहीं लगा सकती हूँ।
और ख्वाब देखने से पहले ना इंसान को खुद सोच लेना चाहिए कि उसकी उम्र क्या है और हैसियत क्या है। बहुत चालाकियां कर रही हो ना तुम, भूल गई अपना अंजाम। जिनका आगाज अच्छा होता उनका अंजाम कभी बुरा नहीं हो सकता ताई अम्मी। शर्त यह है कि दिल और नीयत साफ होनी चाहिए, और आप दोनों बहनों की ना ही तो नीयत साफ थी ना दिल। क्या समझा था अपनी माँ बना लूंगी मैं? कभी ना मेरी बहन को अपना समझा ना मुझे अपनाया, हमेशा हमारे लिए साजिशें ही की। अब ये औरत मुझे इतनी प्यारी हो जाएगी कि मैं अपनी माँ बना लूंगी। चलो नादरा, बहुत करवा ली इससे, तब जाए। चलो कयामत के रोज अल्लाह तुम दोनों से पूछेगा। चलो केक नहीं खा के जाएंगे। अरे रोको ना इन्हें। चलो कोई बात नहीं। आप मिठाई खा लेना अभी।